कांग्रेस के इंदौर महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला के आयोजित किए गए कार्यक्रम सम्मेलन में कई दिग्गज नेता मौजूद रहे, जहां सभी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं पर कांग्रेस के मेयर बनने और परिषद भी कांग्रेस की काबिज होने की बात कही। पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने भी भाजपा को आड़े हाथों लिया और साथ ही में जमकर निशाना साधा। कुछ ही घंटे बचे में परिणाम आने क्या? परिणाम हमारे पक्ष में, कांग्रेस का महापौर भी बन रहे हैं, कांग्रेस की परिषद में मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पर रोड शो किया था, कहा जा रहा है कि रोड शो पहले भी सफल हो। मुख्यमंत्री जी तो तीन बार आए, मुख्यमंत्री जी आ गए, इनके अन्य मंत्री जी आ गए, इनके भाजपा के अध्यक्ष आए, सभी लोगों ने जो रनमाइश कर ली, जिनके भी वरिष्ठ जबरदस्त तरीके से टारगेट किया जा रहा था। टारगेट तो भाजपा करती है हमेशा, जब उनसे नहीं बन पड़ता मैदान में, वो लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं तो फिर अन्य तरीके से वो टारगेट करते हैं। परिषद के साथ आरोप लगता है कांग्रेस की ओर से, हम हर बार की यहाँ पर जो नगर निगम है, प्रशासनिक अधिकारी, और ये भी कहीं ना कहीं भेदभाव रखते हैं। बिल्कुल तो रखते हैं, तो कार्यकर्ता के, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, और कांग्रेस के जो भी जहाँ भी व्यक्ति मिलता है उसको प्रताड़ित करते हैं। यदि इस चुनाव की यदि बात की जाए तो क्या ये सेमीफाइनल मान सकते हैं इसे आगामी आम चुनाव का? हाँ, साल बर्बाद, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, यहाँ जो चुनाव हुए नगर निगम के, बट नेचुरली इसको देखते हुए विधानसभा में भी इसका असर तो बहुत पड़ेगा। अभी आप यहाँ के प्रभारी भी हैं, इस चुनाव में आपने कितने कितने मीठे अनुभव देखे इस बार? काफ़ी कुछ हुआ है, उतार चढ़ाव हुए इसमें। देखिए, मुझे काफ़ी चुनाव में खुद भी लड़ी हूँ और मुझे मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की भी जवाबदारियाँ रही हैं संगठन की सचिव होने के नाते, ऑल इंडिया की, तो चुनाव मैंने हर जगह देखे, हर जगह लड़ा, चुनाव को मैं चुनाव की दृष्टि से देखती हूँ। और मेरे राष्ट्रीय लेवल के और प्रदेश लेवल के नेता जो भी जवाबदारी मुझे देते हैं, मैं उसका निर्वहन करती हूँ और 100% देने की कोशिश करती हूँ। नहीं, मेरा मतलब कांग्रेस के नेता हैं राजीव वगैरह जी, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, कहीं ना कहीं कांग्रेस का आरोप है कि भेदभाव है, क्या कहना चाहिए? मैं पहले ही आपको बोल चुकी हूँ कि प्रशासन और शासन कांग्रेस के लोगों को भेदभाव रखता है और जहाँ भी जो मिलता है उसको घेरने की कोशिश करता है कि उसको प्रताड़ित किया जाए ताकि उनके मनसूबे ऊँचे रहें भाजपा के। तो हमारे कार्यकर्ताओं को तो हर मोमेंट पे, हर प्लेटफॉर्म पे प्रताड़ित करते रहते हैं।